सो so गाइस एक साल पहले बजाज और ट्राइम्स के कोलैबोरेशन की वजह से इंडियंस के लिए ट्राइम्स अफोर्ड करना काफ़ी चीपर हो गया विद स्पीड 400 एंड स्क्रैमलर 400 एक्स के इंट्रोडक्शन से इनफैक्ट स्पीड 400 हंड्रेड वॉज लॉन्च्ड एट अ प्राइस ऑफ टू पॉइंट टू थ्री लैक्स सो कम्पिटेटिव कि उसने उस टाइम पे ना डोमिनार और क्लासिक 350 को भी अंडरकट कर दिया था इस साल बजाज ने कुछ कमाल किया है और ट्राइम्स को ओन करना और चीपर हो गया विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइम्स स्पीड फोन हंड्रेड एक्चुअली में ऐसे आप स्पेक्टीट वगैरह देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि टी फोर इज एग्जैक्टली अ लाइट एडिशन ऑफ स्पीड फोर हंड्रेड तो ये मेरे पास स्पीड फोर हंड्रेड भी है और मैंने दोनों बाइकों को बैक टू बैक चलाया और एक्सपीरियंस किया कि एक्चुअली में क्या डिफरेंस है मैं आपको डिस्कलेमर देता हूँ कि बहुत सारे कॉम्पोनेंट स्केल डाउन करे गए हैं कॉस्ट कटिंग काफी है इस बाइक और इस बाइक के कम्पेरिजन में ऑल दो प्राइस डिफरेंस एक्स शोरूम में सिर्फ तेईस हजार रुपए का है सो गाइज सबसे so पहले मैं इसको स्पीड 400 हंड्रेड बोलूंगा और इसको सिर्फ टी फोर बोलूंगा जिससे कि थोड़ा इजी रहे so guys, मैं इस वीडियो में आपको स्पीड 400 हंड्रेड और टी फोर के बताऊंगा और ये भी समझेंगे कि आपको स्पीड 400 लेनी चाहिए या फिर टी फोर लेनी चाहिए सो गाइज वेलकम बैक टू आर चैनल एंड लेट्स पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि

उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूरी बाइक में ना जितना भी प्रीमियम एल्यूमिनियम फिनिश्ड कॉम्पोनेंट्री थी वो ऑलमोस्ट सारी की सारी अब स्टील में स्वैप कर दी गई है फॉर एग्जाम्पल ये हेडलाइट होल्डर ये आप नॉर्मल स्टील पाउडर कोटेड है उसके बाद आपका जो हैंडल बार है वो भी आपका स्टील यूनिट है दीज आर नॉर्मल मिरर्स स्पीड 400 में आपके आते हैं बार एंड मिरर्स टैंक की बात करूँ तो टैंक में कुछ तीन से चार न्यू पेंट स्कीम है जो कि डेडिकेटेड टू तो स्पीड फोर है विद एक्स्ट्रा ग्राफिक्स जहाँ पे यहाँ पे फोर लिखा रहता है और ये ट्रांस कल हो गया है उसके बाद आपका जो एग्जॉस्ट है इट्स नॉट पाउडर कोटेड इट्स ब्लैक पेंटेड एग्जॉस्ट फिनिश्ड और उसके बाद आप अगर फ्रेम भी देखोगे ना तो ये फ्रेम भी ना ब्लैक पेंटेड है और द अदर हैंड जो आपका स्पीड 400 हंड्रेड या फिर स्क्रैमलर 400 हंड्रेड एक्स है उसमें ना जो आपका सब फ्रेम है ना वो बहुत अच्छा मैट डार्क ग्रे कलर का फिनिश है नट्स जो यूज़ कर गए हैं उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है बट रेयर सस्पेंशन भी डिफरेंट है और उस डिफरेंस होने का रीज़न ये है कि क्योंकि इस बाइक का व्हील बेस ज़्यादा है और पीछे भी आपके हाई प्रोफाइल नॉर्मल टायर्स अवेलेबल हैं तो ये जो एक्स्ट्रा वेट को अकोमोडेट करने के लिए आपका सस्पेंशन भी डिफरेंट है उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनफैक्ट फ्रंट मडगार्ड भी डिफरेंट है काफ़ी सिंपलर यूनिट है ये थोड़ा सा यू नो प्रीमियम लुकिंग डिज़ाइन है टी फोर का जो सीट है सीट का प्रोफाइल डिफरेंट है थोड़ी सी कंपेरिटिवली उस बाइक के मुकाबले ना ये सीट वाइडर है इस बाइक का व्हील बेस भी ज़्यादा है इनफैक्ट ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा हो ग्राउंड क्लियरेंस जो आपका थोड़ा सा ज़्यादा है वो मेनली बिकॉज ऑफ दी हायर प्रोफाइल टायर्स है उसके बाद क्योंकि ये ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है इस बाइक का उस वजह से इसका सीट हाइट भी बढ़ जाता है सो so ये 806 सौ छः सीट हाइट है जहां पे पुरानी स्पीड 400 आती थी वो 790 है और जो अभी नई रिवाइज होकर आई है वो एक्जैक्टली आठ सौ है दोनों बाइकों में और जो डिफरेंसेस है वो मैं आपको परफॉर्मेंस और इंजन के बारे में बताते हुए एक्सप्लेन करूँगा तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंजन पे। ऑल दो ये वाला इंजन भी केसिंग में टी आर सीरीज़ फोर हंड्रेड सी सी कहता है बिकॉज दोनों इंजन एक्चुअली में फोर हंड्रेड सी सी के हैं इंजन केसिंग यू नो इंजन डिज़ाइन एवरीथिंग इज सेम वट ट्राइम सेज इज दे हैव रिवाइज द इंटरनल कम्पोनेंट इंटरनल कंपोनेंट में क्रैक शैप रिवाइज करा गया सिलेंडर हेड रिवाइज हुआ है इनफैक्ट पिस्टन भी चेंज्ड है जो आपका एयर इनटेक है वो चेंज है उससे डिफरेंस यहा आया कि ये बाइक बनाती है 31 वन बी एच पी एट अराउंड सिक्स थाउजेंड आरपीएम और ये ऑलमोस्ट वन पॉइंट फाइव न्यूटोमीटर ऑफ टॉर्क स्पीड फोर हंड्रेड से कम बनाती है सो दिस मेक्स अराउंड थर्टी सिक्स न्यूटोमीटर ऑफ टॉर्क इस बाइक का जो मैप है वो टोटली totally डिफरेंट है एंड दिस बाइक कम्स विदल थ्रॉटल इट ड राइड बाई वायर जैसे कि स्पीड फोर हंड्रेड में और इसमें पीछे रियर प्रॉकेट उससे छोटा है दिस कम्स विद द थर्टी नाइन इन टू थ्रियर्स प्रॉकेट ऑन द अदर हैंड स्पीड फोर हंड्रेड में फोर्ट वन टू थ्रीयर्स प्रॉकेट अवेलेबल है ऑल दो बिकॉज टॉर्क में कोई डिफरेंस नहीं आया तो सिटी में आपको चलाने में ना उतना फ़र्क नहीं आएगा इनफैक्ट मैंने जब दोनों बाइकों को बैक टू बैक चलाया वॉडर फिल्ड की लोअर डाउन दी आर पी एम इसमें टॉर्क डिलीवरी स्पीड फोर हंड्रेड के मुकाबले ज़्यादा ईजी और ज़्यादा बेटर है ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे पर्सनली सिटी में ना ये इंजन और निम्बल और फ्रेंडली टू यूज़ लगा मोटर कम्पेरेटिवली एक्चुअली में बहुत रिस्पॉन्सिव है और इनफैक्ट अगर आप लोअर आरपीएम पे देखोगे ना तो स्पीड फोनट के मुकाबले ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है ज़्यादा फ्रेंडली फील होने वाली है और ओवर दी आर पावर डिलीवरी है वो इतनी स्मूथ है कि आपको कहीं भी जर्किनेस नहीं फील होगी ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर आप न्यू राइडर हो तो आपको डर फील हो कि आपको लगेगा कि यार अब भिड़े यार तब भिड़े ये इंजन स्पीड फोनट के, के मुकाबले कम हीट करता है तो इसका रेडिएटर उससे भी कम बार किन होगा और चलाने में जेनि आप दोनों बाइकों को बैक टू बैक चलाओगे ना तो आपको सिटी में कोई फर्क फील ही नहीं होगा ऑल्दो इसके सस्पेंशन स्पीड फोर हंड्रेड के कम्पेरिजन में डिफरेंट है बट सस्पेंशन का ट्यून और सेटअप एकदम सेम है दिस बाइक टेक्स अराउंड वन पॉइंट थ्री सेकेंड्स मोर देन स्पीड फोर हंड्रेड फ्रॉम जीरो टू हंड्रेड सो स्पीड फोर हंड्रेड अराउंड सिक्स पॉइंट सिक्स सेकंड में जाती है ये अराउंड आपकी एट सेकेंड्स में जीरो टू हंड्रेड जाती है ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस आपकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड गियर्स में और फाइव थाउजेंड सिक्स थाउजेंड आरपीएफ में ऑलमोस्ट सेम ही लगने वाली है आपको इनफैक्ट इसकी जो हंड्रेड की स्पीड है वो आपको साढ़े पाँच हज़ार आर पी एम में आराम से अचीव हो जाएगी सही बताऊँ तो सिटी में आप चला रहे हो ना आपको फर्स्ट गियर डालने की भी ज़रूरत नहीं है सेकंड गियर पे भी बाइक आराम से उठ रही है और बहुत ही आराम से हायर गेयर पे भी लोअर आर पी एम्स मेनटेन कर सकते हो और सिर्फ यही रीज़न है कि ये बाइक ना सिटी में और फ्रेंडली हो जाती है बड़े आराम से आप इसमें थर्ड गियर पे भी ट्वेंटी थर्टी इनफैक्ट आप फोर्थ गियर पे भी आराम से ट्वेंटी थर्टी से पिकअप ले सकते हो सी अपनी ट्रैक्टेबिलिटी पॉइंट द बेस्ट है इस सेगमेंट में और भाई क्या स्मूथ इंजन है यार ये मतलब जेनविनली हिमालयन से कंपेयर करो तो बहुत ही ज्यादा स्मूथ है मैंने जब इस बाइक को ओवरऑल चलाया तो आई फील्ड की इस बाइक को डिजाइन करने के पीछे सबसे बड़ा गोल ये है कि ट्राइम स्पीड फोर हंड्रेड क्योंकि फोर्टी बी एच पी ब्रैकेट में आती है ना तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी स्पोर्टी फील होती है न्यूअर राइडर्स के लिए शायद वो उतनी फॉरगिविंग ना हो उतनी ईजी टू यूज़ ना हो ऑल्सो इस बाइक का फॉर्म फैक्टर बहुत ही छोटा है बहुत ही कॉम्पैक्ट है तो चलाने में बहुत आसान है आप फाइव पॉइंट सेवन इंच भी होना तो आप दोनों में से कोई भी बाइक चलाओगे ऐसे इंटीमीडेटिंग नहीं लगेगी बट ओवरऑल जो गोल था वो यही है कि इस बाइक को ना तो और अफोर्डेबल बनाना जिससे कि जो हॉन्डा सी बी थ्री फिफ्टी है जो क्लासिक थ्री फिफ्टी के कस्टमर्स को ट्राइम मारना चाहता है प्लस बजाज का ओवरऑल जो गोल था ना वो था आपका माइलेज एस्ट्राट करना ऑल तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि स्पीड फोर हंड्रेड है मुझे सिटी में ट्वेंटी एट के आसपास माइलेज मिला और हाईवे पे थर्टी फाइव के ऊपर मिला है उतना तो मैं नहीं चला पाया हूँ कि मैं माइलेज एक्चुअली मैं जज कर पाऊँ बट पर मुझे पर्सनली लगता है कि आपका सिटी में ये थर्टी थर्टी वन आराम से दे देगी और हाईवे में अगर आप इसको सडेटली चला रहे हो तो आप फोर्टी तक भी निकाल सकते हो सो गाइज हेयर इज द एग्जॉस्ट साउंड ऑफ टी फोर ट इंजन एक्चुअली फील नहीं हुए अगर मैं स्पीड फोर हंड्रेड से कंपेयर करूँ तो मुझे स्पीड फोर हंड्रेड में थोड़ा बजीनेस फील होता है चार हजार आरपीएम इसका बहुत ही स्पीड स्पॉट है और एट्टी टू हंड्रेड इस वेरी इजी ऑन दिस बाइक आप आराम से ऑल डे लॉन्ग इसमें अभी इंजन परफॉर्मेंस से अगर आपको चासी डिफरेंसेस के बारे में बताऊं तो जो फ्रेम सब फ्रेम और सिंगाम एकदम सेम है पर क्योंकि इट कम्स विदर्मल सस्पेंशन एंड अ अर एंड टॉलर टायर्स उस वजह से आपका थोड़ा सा व्हील बेस ज्यादा है क्योंकि आपके हेवियर टायर्स अवेलेबल है और बिकॉज ऑफ नॉर्मल सस्पेंशन शायद स्टेयरिंग हैवी हो जाती है इसलिए दिस बाइक कम्स विद अ स्मॉलर रेक एंगल सो so, आपकी जो स्पीड फोर ट्वेंटी इसका ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स डिग्री रेक एंगल है उस वजह से एक्चुअली में जब दोनों बाइकों को आप चलाते हो ना तो जो लॉन्गर व्हील बेस और जो हैवियर फीडबैक आता है आपका टेलीस्कोपिक सस्पेंशन की वजह से वो कंपनसेट हो गया है और आप जब चलाओगे ना तो आपको एक्चुअली में राइडिंग कम्फर्ट राइड हैंडलिंग में कोई डिफरेंस नहीं फील होने वाला है सो so, ऐसे थोड़ा मोड़ा ऑफ रोड भी करोगे ना तो मुझे पर्सनली ये वाले सस्पेंशन सेटअप स्पीड फोनोटर से ज़्यादा बेटर लगे स्पीड फोनोटर ने पता नहीं क्यों ग्रेवल सर्विसेस पे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी मुझे जो ब्रेक्स हैं आपकी वो आगे 300 सौ mm मिलीमीटर का डिस्क है बट इट कम्स विद डुएल पिस्टन एक्चुअली माउंटेड ब्रेक्स एट द फ्रंट बाइब्रेक यूनिट ऑफ कोर्स एंड दीज आर नॉर्मल ऑर्गेनिक पैड ऑन द अदर एंड स्पीड फोर हंड्रेड कम्स विद रेडिली माउंटेड फोर पिस्टन ऑर्गेनिक सिंटर्ड पैड्स क्योंकि यूनिटी डिफरेंट है तो पैड्स आप स्वैप भी नहीं कर सकते सो यू आर एक्चुअली स्टक विद दिस रेयर में दोनों बाइक में ऑलमोस्ट सेम ब्रेकिंग सेटअप है मिलीमीटर डिस्क फ्लोटिंग कैलिपर ब्रेक कब इनिशियल बाइट ना बहुत वीक फील हो रहा है बट ओवरऑल ब्रेकिंग परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है ऑब्वियसली 400 के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम अच्छा बोलूंगा मैं बट देर आर नो कम्पलेन एज पर कि आपकी बाइक रुकेगी नहीं जिस तरह की परफॉर्मेंस ऑफर करती है मोर देन एनफ है एंड आई फील कि इस बाइक के फ्रंट पैड भी स्वैप करके आप सेंटर्ड टू मार्केट पैड मिल जाएंगे तो अगर आप पैड चेंज करके सेंटर्ड लगाओगे तो आपकी ब्रेकिंग भी काफ़ी हद तक शॉर्ट हो जाएगी मैं टायर्स की बात करूँ तो डीज टायर आर एक्चुअली थिनर देन स्पीड फोर हंड्रेड तो स्पीड फोर हंड्रेड में रियर में आते हैं वन फिफ्टी सेक्शन के टायर इसमें आता है वन फोर्टी सेक्शन का टायर उतना बड़ा डील ब्रेकर नहीं है अगर आप क्लासिक थ्री फिफ्टी या हॉन्डा थ्री फिफ्टी से कंपेयर कर रहे हो बट ऑब्वियसली रेडियल टायर से हैंडलिंग और अच्छी हो जाती है थोड़ा सा मुझे ये फील हुआ कि ये वाले टायर्स ना एक्सट्रीम कॉर्नरिंग अगर आप कभी करना चाह रहे हो या फिर काफ़ी वेट सरफेस है तो वहाँ पर ना ये ट्रैक्शन लूज करते हैं बट ये मेरे हिसाब से सिर्फ नेट पिकिंग ही है यार ये बाइक उतना स्पोर्टी और राइडिंग के लिए बनी नहीं है बट स्टिल अगर आप कभी इसको स्पोर्टिवली और एग्रेसिवली चलाना चाह रहे हो तो ये आपको पूरा साथ देगी और उसके बाद एक पॉइंट और है दिस कम दिसक्यू ओ रिंग टाइप चेन वहीं पे जो आपकी स्पीड फोनरेटर वो है एक्स टाइप चेन अब बहुत सारे लोग ये बात बताएंगे नहीं बट मैं आपको इतना बता देता हूँ कि जो बेसिक डिफरेंस होता है कि जो चेन के लिंकेज होते हैं उस वो कैसा डिजाइन है जो एक्स टाइप चेन होती है ना वो लेस नॉइस क्रिएट करती है और मोर स्मूथ होती है और लेस फ्रीक्वेंट ऑफ ऑयलिंग की ज़रूरत होती है और जो नॉर्मल ट्रेडिशनल ओ टाइप चेन है वो थोड़ा ज़्यादा नॉइस करती है कंपैरेटिवली और आपको मोर फ्रीक्वेंट ऑयल चेनिंग करनी है पर ये ऐसा डील ब्रेकर बिल्कुल नहीं क्योंकि इस सेगमेंट की बाकी बाइकों में ना नॉर्मल ओ टाइप ही आती है मैं थोड़ा राइड हाइट पे आता हूँ क्योंकि इट्स इट्स अ 800 मिलीमीटर mm हाइट मेरे लिए तो ऑब्वियसली ये बाइक ना और कंफर्टेबल हो जाती है बट आई थिंक अगर कोई शॉर्टर राइडर है उसको थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव कर लेना चाहिए बट ऑनेस्टली बताऊँ तो ये सीट स्पीड फोर हंड्रेड के कम्पेरिजन में जो मैं चला रहा हूँ एम वाई ट्वेंटी थ्री मॉडल उससे और ज़्यादा कम्फर्टेबल है और जो आपकी नॉर्मल राइडिंग जोमेट्री है वो एकदम सेम है सेम आपका लेग का पोजिशन आएगा सेम पोजिशन है आपके पिलियन फुट के मैं हैंडल पर आता हूँ तो हैंडल बार का जो डिज़ाइन है ना वो स्लाइटली डिफरेंट है एंड दिस इज मोर डिज़ाइन टूवर्ड्स यू नो क्रूजिंग रैदर देन एग्रेसिव स्पोर्टी तो ये मुझे ना और कंफर्टेबल फील हुआ स्पीड 400 हंड्रेड के एक्सपीरियंस में मैं बताऊँ तो लॉन्ग रूट्स में आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है तो स्पीड फोन में भी कोई बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं आते थे दिस ऑल्सो कम्स विद यू एस बी सी टाइप चार्जर एंड आई थिंक दैट्स इट उसके अलावा ऐसा कोई यूनिक फीचर्स नहीं है हेडलाइट एंड टेल लाइट आर स्टिल एल ई एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड लुकिंग हेडलाइट और दिन रात इसका थ्रो काफ़ी सही है यू डोंट नीड एनी ऑग्जिलरी लाइट अनलेस यू आर ड्राइविंग टू मच लॉन्ग रूट लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो सबसे पहले जब से स्पीड 400 हंड्रेड लॉन्च हुई है प्राइम्स इज गिविंग अूज डिस्काउंट फाइव थाउजेंड टेन इस वजह से ये बाइक ना बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बन जाती है इन फैक्ट टू पॉइंट के साथ ना ये बाइक अभी भी बहुत वैल्यू फॉर मनी है अगर आप यंगस्टर हो यू हैव अ टू थ्री ईयर एक्सपीरियंस राइडिंग द मोटरसाइकिल आई स्टिल रिकमेंड गोइंग फॉर दिस बाइक बिकॉज देर आर टू मेनी कॉस्ट कटिंग इन दिस बाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ये बाइक ना ऑलरेडी बहुत पतली लगती है देखने में और बिकॉज ऑफ दिस टेलीस्कोपिक फोक्स ये बाइक देखने में और पतली लगने लगी है और बजाज को ये बात एकदम क्लियर है कि ऑल दो देक वुड हैव गॉन विद अ नॉर्मल यू एस डी फोक्स बहुत ज़्यादा दो तीन हजार का ही डिफरेंस आता बट दे पर्पसफफुली वेंट विद दिस टेलीस्कोपिक फोक्स बिकॉज दे वॉन्ट पीपल टू नो दैट यू आर ड्राइविंग अ चीपर बाइक जब आप इसमें ज्यादा पैसे दोगे एनीवेज आपकी रीसेल में वो कवर हो जाएगा प्लस बहुत सारे एलिमेंट्स हैं स्पीड फोर हंड्रेड कम विद एन इंजन मोबालाइजर विद दिस बाइक दिसकेंट कम्स स्पीड फोर हंड्रेड ट्रैक्शन कंट्रोल विद दिस बाइक कम इट फील्स लाइक कि ये डाउन साइड है सस्पेंशन के बट सस्पेंशन ट्यूनिंग दोनों बाइक का एग्जैक्टली सेम सेटअप है चलाने में आपको कोई डिफरेंस फील नहीं होगा उसके बाद जो कॉम्पोनेट्री जो टच फील वाले एलिमेंट्स है जैसे आपका ये हेडलाइट होल्डर जो इसमें नॉर्मल फिनिश्ड है ब्रेक एंड गेयर लीवर्स आपके फुट पैग ये सब जो स्टील फिनिश है ना वो थोड़ा सा टच फील में ना कहीं ना कहीं वो प्रीमियम में क्वेश्चन को कम कर देते ऑल दो मैं ये बात क्लियर कर कि ये कहीं से भी ये बाइक ना बुरी नहीं है दिस बाइक हैज़ वन ऑफ द बेस्ट फिट एंड फिनिश अगर कोई ओल्डर एज पर्सन है हु जस्ट नीड अ बाइक फॉर होम टू ऑफिस कम्यूट देन आई थिंक दिस इज अ बेटर बाइक फॉर यू

लिटरली मोर देन इनफ फॉर ऑल दिस सिचुएशन इतना हेल्दी थर्टी सिक्स सेंटीमीटर ऑफ टॉक स्टिल इज टू गुड ऑलरेडी अगर आपका बजट दो लाख के आसपास ही है ना और आप तो आप थोड़ा बहुत दस पंद्रह हजार रुपये बढ़ा के स्पीड फोर हंड्रेड टी फोर ले सकते हो बट अगर आपका ऑलरेडी बजट ना दो लाख बीस हज़ार दो लाख तीस हजार है ना आई स्टिल रिकमेंड स्पीड फोर हंड्रेड इज मोर वैल्यू फॉर मनी अगर आपको कहीं एम वाई ट्वेंटी थ्री का मॉडल मिल जा रहा है ना स्टॉक में जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है अभी भी इंडिया में देन गो मॉडल

कहीं से भी ये बाइक ना चलाने में स्पीड फोर का लाइट एडिशन नहीं लगती है सो so गाइज़ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ इन दोनों बाइक से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज गो टू आर इंस्टाग्राम चैनल एज वेल वहाँ पे भी मैं सारा कंटेंट अपडेट करता हूँ प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सी यू इन नेक्स्ट वीडियो राइट सेफ बाय